मीडिया को लगाई लताड़, मीडिया कर्मियों के सामने लगाई लताड़। कहा किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। बोला आप किसी काम के नहीं हो, आप अपने बीवी बच्चे पालो, पेट भरो। देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी। और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला। क्योंकि जो मीडिया हाउसेस के मालिक हैं वो सरकार के चमचे हैं, सरकार की गुलामी करते हैं, उनमें कोई नैतिकता नहीं है कि वो किसी जवान की समस्या दिखाए, वो किसी किसान की समस्या दिखाए, वो किसी गरीब की समस्या दिखाए। आप बिकाऊ हो, आप कर क्या सकते हो जब आपके मालिक बिकाऊ हो? उन्होंने देखना, वीडियो सुनाऊंगा आपको। देखिए ऐसा है, आपके मीडिया के जो मालिक हैं, आप तो कर्मचारी होंगे, है ना? आप कर्मचारी हैं। और बिजनेसमैन गवर्नमेंट को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि नाराज किया तो गवर्नमेंट 20 तरीके से परेशान कर सकती है, इनकम टैक्स नोटिस और पोल्यूशन नोटिस और ये नोटिस वो नोटिस। ये चीफ जस्टिस है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आपकी जो मीडिया है वो बिजनेस बन चुकी है और सरकार की चापलूस और चमचागिरी नहीं करेगी, सरकार कई प्रकार के नोटिस देके उसको घुटनों पे बिठा लेगी। अरे आपकी क्या औकात है, आप क्या रिपोर्टिंग करोगे? मुझे तो आप लोगों से घृणा आती है कि आपका कोई वजूद ही नहीं है, आपका जमीर ही नहीं है, बस आप नौकरी करो, अपने बीवी बच्चे पालो, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपने किसी जवान की समस्या आपको दिखाई देती है, उसके लिए आप आगे नहीं आ सकते, किसान की नहीं आ सकते। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी है उनकी चीजों का झूठा बयान, झूठा बखान, झूठी प्रचार कर सकते हो। तो मीडिया का दोस्तों अब ये रोल रह गया है। और देखिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस तरह, मार्केटिंग जी ने किस तरह लताड़ा है, उनके मुंह पे लताड़ा है। बोला आपका कोई दोष नहीं, जब आपके मालिक जब घुटने पे चमचागिरी कर रहे हैं, जीप लेके घूम रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपको भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं। आप कोई उनके अगेंस्ट कोई खबर चला भी दोगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, आपको भी तो अपने बीवी बच्चे पालने हैं। कितनी सही बात कही, कितनी कड़वी। किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले, ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। आपको लगेगी लेकिन ये सत्य है। और उधर राजीव गांधी जी ने कहा है कि हाँ जी, इस देश की मीडिया बेरोजगारी को कोई नहीं दिखा रहा, भ्रष्टाचारी को कोई नहीं दिखा रहा, गरीब को कोई नहीं दिखा रहा, जहां अनाचार अत्याचार हो रहा है कोई नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ दिखा रहे हैं। तो 24 घंटे मोदी जी के पीछे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बोलना है, जो वहां से सरकारी तौर पर उन्हें मिल जाता है उसी का बखान करते रहते हैं, उसी को सारे दिन चिल्लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप दोनों वीडियो देख के आपको क्या लगेगा, क्या आप इस मीडिया पर भरोसा कर सकते हो? जैसे कि हमारे सैनिकों ने जाकर के मीडिया हाउस में चैलेंज किया था जी न्यूज को जाकर के, कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सैनिक नहीं दिख रहे हैं, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार दिखती है और सिर्फ सिर्फ नेता दिखते हैं, सिर्फ सिर्फ उनके आसपास आप घूमते रहते हो। लेकिन रोड के ऊपर आज जो ईवीएम को लेकर के तमाशा चल रहा है, और रोड के ऊपर किसान आज परेशान है, रोड के ऊपर आज जवान आज परेशान है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को। बिल्कुल दोस्तों बनता है, आज हमें मीडिया के ऊपर कटाक्ष करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सबके ऊपर कटाक्ष करते हैं। जब इनको हक था कटाक्ष करने का, जब ये ट्रांसपेरेंट होते, न्यूट्रल होके अपनी पत्रकारिता करते, लेकिन आज की पत्रकारिता तो सिमट कर रह गई है, पत्रकारिता बिक गई है। इस प्रकार के आरोप राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं, इस प्रकार के आरोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, उनके उन्हें पद पर कितना बड़ा अनुभव किया होगा इस देश के बारे में, और किस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये इस पे सोचने वाली बात है कि क्या अब देश में इसी तरीके का मीडिया से भी भरोसा उठ गया है? तो कौन, किससे हम न्याय की उम्मीद करें, कौन सही मुद्दे को जनता के सामने ले जाए, या सही जनता के मुद्दों को सरकार के सामने ले जाए? अब सरकार ही इस तरीके से कराती है, नहीं कोई मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं, जो हम कहेंगे वो दिखाओ, जो हम कहेंगे वो करो। तो फिर आगे आखिर होगा क्या, इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करें। दोनों वीडियो देखकर धन्यवाद दोस्तों।